होली पूजन के लिए आज हम अपने गांव आए थे। सुबह उठी मैं लगभग 4:30 बजे, घर का थोड़ा बहुत काम खत्म किया, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। फिर हम सब नहा धो के गांव जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और अपना सामान उठा के अंधेरे अंधेरे में ही घर से निकल लिए। सब तो सुंदर नजारों को, उगते हुए सूरज को निहारते जा रहे थे। इधर एक मैं थी जो दिन में भी सपने देखती जा रही थी। आँख खुली तो पता चला कि इन्होंने तो खाने के लिए बेर और अमरूद भी लिए है। रास्ते में रात को खाने का प्रबंध करके और होली के दिन टुंडर टोटका से बचते हुए अपने सुकून की जगह गांव पहुंचे। और यहां पहुंच के पता नहीं क्यों हर किसी के चेहरे पे अलग सी खुशी और एक्साइटमेंट होता है। सब काम छोड़ के सबसे पहले मैं और मम्मी होली पूजन के लिए तैयार होके गांव की गलियों से होते हुए पूजन स्थल पर पहुंचे और पूजा की। वहां पे मम्मी ने लोटे में थोड़ा पानी बचाया और बोली, जाके प्रवीण के ऊपर डाल देना। मैंने घर आते ही वो पानी प्रवीण जी के ऊपर डाल दिया। वैसे इसका रीजन अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। फिर इन्होंने सबके लिए चाय बनाई, सबने चाय पी। फिर मैंने घर में साफ सफाई का काम पूरा किया।